आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वप्पाला पंगुन्नी मेनन। वेल, आपको ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा था, हमें लग रहा होगा, हम इनको वीपी मेनन के नाम से जानते हैं। अब ये वही वीपी मेनन है जिन्होंने किताब लिखी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। साथ ही साथ इन्होंने जो किताब लिखी, लिखने में तो माहिर थे ही, इतना जबरदस्त टाइप करते थे कि भैया अंग्रेज इन पे फिदा थे। लॉर्ड ललितगांव, लॉर्ड वेवल ने जो सबसे ऊपर पोस्ट पे बैठा था उस अंग्रेज को भगा दिया, बोला कि निकलो यहां से, और वीपी मेनन को बुलाया। इतना ज्यादा अंग्रेज वीपी मेनन से प्यार करते थे। लेकिन वीपी मेनन से एक और इंसान प्यार करता था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वीपी मेनन बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने वीपी मेनन का नाम सुना है, हमने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है, लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे थे जिनका नाम हम नहीं सुना है, हमने नहीं सुना है, और वो कहीं इतिहास में गुम हो गए हैं। उनमें से एक है वीपी मेनन। वीपी मेनन ने भी उतना ही काम किया देश के लिए, देश को इंटीग्रेट करने के लिए, जितना कि पटेल और नेहरू ने किया। पटेल जी के साथ वीपी मेनन ने मिलके क्या जबरदस्त भूमिका निभाई। भैया इनके माथे पे जोधपुर के राजा ने बंदूक लगा दी थी कि हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद वीपी मेनन ने शांति से हर एक चीज सुलझाई, और इन्होंने फिर उसको एक किताब में पिरो भी दिया कि कितनी मुश्किल थी भारत के इंटीग्रेशन की कहानी। तो वीपी मेनन का सबसे बड़ा काम यह था कि इन्होंने भारत को भारत बना दिया। 565 रियासतें थी दोस्तों। आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारत की 565 रियासतों को एक नहीं किया होता, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, एक सेंटेंस में पांच शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं, भारत का इंटीग्रेशन दो तीन शब्दों में पूरा खत्म, लेकिन ये इतना ज्यादा मुश्किल काम था, अगर इसमें जरा सी भी चूक हो गई होती ना तो भारत बिखर गया होता। तब अगर आपको दिल्ली से साउथ में जाना होता, दिल्ली से आपको मान लीजिए मद्रास में जाना होता, चेन्नई में जाना होता, तो पता है कैसे बोलते हैं आज के जमाने में अगर भारत अलग अलग होता, कि उस बंदे को दिल्ली से मद्रास मतलब चेन्नई तक जाना था, उसके बाद सबसे पहले वो भोपाल देश में गया, भोपाल देश के बाद वो हैदराबाद देश में पहुंचा, फिर उसने कर्नाटक देश को पार किया, फिर वो मैसूर देश से होते हुए चेन्नई पहुंचा, ठीक है, और उसने हर एक देश का वीजा लिया। इस तरीके के हालात होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि भारत एक है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय वीपी मेनन को जाएगा। वैसे दोस्तों मेरा एक बहुत जल्द लेक्चर आने वाला है स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो उसकी भूमिका हम इसी लेक्चर से बांध देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक वो मैं लेक्चर आपके सामने लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ 565 रियासतों को एक किया गया। 1947 से लेकर 1949 तक 2 सालों तक बहुत मेहनत करनी पड़ी, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, बहुत सारे स्टेट्स हमारे हाथ से निकल जाते। स्टेडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चेक की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप नंबर इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों वीपी मेनन की बात करें तो इनका जन्म 30 सितंबर 1893 में हुआ था, और बहुत ही छोटे से गांव में भारत फूजा में जन्मे थे, ठीक है ना। तो भैया केरल में इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1893। इनके माताजी और इनके पिताजी के 12 बच्चे थे, ठीक है, और ये सबसे बड़े थे। तो समझ लीजिए दोस्तों इनके पिताजी वो कोई बहुत अमीर नहीं थे, घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। वीपी मेनन एक सिविल सर्वेंट थे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। एक तो 12 बच्चे जिसमें सबसे बड़े वीपी मेनन, पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे, अर्निंग थी नहीं, तो क्या करे, वीपी मेनन ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, ढेर सारी उन्होंने जॉब्स की, उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, उन्होंने कोयले की खदानों में काम किया, उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने वो टीचर भी बने, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं था जो इनको पैसा दे सके। हर काम में इनको दिक्कत हुई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने सीखना शुरू किया, ठीक है ना। अब क्या सीखा इन्होंने, इन्होंने सबसे पहले तो अंग्रेजी सीखी, ठीक है, अंग्रेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो सबसे पहले अंग्रेजी सीखी, फिर इन्होंने टाइपिंग सीखी। उस समय कंप्यूटर तो था नहीं, कंप्यूटर तो बहुत टाइम बाद आया, ठीक है, और पहले जो कंप्यूटर होते थे वो तो बहुत बड़े बड़े होते थे, ये तो शुक्र हो बिल गेट्स का जिन्होंने विंडोज की डिस्कवरी कर दी, और उसके बाद अब कंप्यूटर बहुत, कंप्यूटर के अब तो
मिनी कंप्यूटर्स, इतने छोटे छोटे कंप्यूटर्स, आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, वो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भैया शुक्र हो, मतलब बिल गेट्स ने जो हमको ये कंप्यूटर दिया, और घर घर में आजकल आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो उस समय टाइप राइटर्स होते थे, ठीक है, तो वहां पे इनको टाइपिस्ट की जॉब मिली और इन्होंने टाइपिंग सीखी, और बहुत तेज टाइप करते थे। इतनी तेज इनकी उंगलियां चलती थी कि कुछ लोग तो इनकी खाली टाइपिंग ही देखने आते थे, ठीक है। तो यहां पे एक बैंगलोर में टोबैको कंपनी थी, वहां पे इनको जॉब मिली, वहां पे इन्होंने क्लर्क का काम किया, क्लर्क का काम किया, टाइपिंग करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सीखने की बड़ी इच्छा थी, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, और देखते ही देखते इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ ही और भी बहुत सारी चीजें सीख लिए। 1929 तक आते आते इनको शिमला में सरकारी जॉब मिल गई, बहुत बढ़िया। तो भैया अब ब्रिटिश सरकार में ये क्लर्क का काम करने लगे, और धीमे 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 ब्रिटिशर इनके काम से इतना ज्यादा खुश हो गए कि इनको प्रमोशन देना शुरू कर दिया। 1942 में जब रिफॉर्म कमिश्नर की बात आई, ठीक है, जब सेक्रेटरी की बात आई कि किसको सेक्रेटरी बनाया जाए, तो पता है किसका नाम आया? वीपी मेनन का। 1942 में हुडसन जा चुके थे, ठीक है। अब लॉर्ड ललितगांव ने सोचा कि बेस्ट है कि हम मेनन को सेक्रेटरी बनाएं, ठीक है। और इस समय, उस समय ये सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, अभी तक किसी भी भारत को गवर्नमेंट का सेक्रेटरी नहीं बनाया गया था, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर फिर वाइसरॉय वाली पोस्ट आ जाती थी। तो यहां पे हम देखते हैं कि वीपी मेनन को ये पोस्ट दी गई, उनको गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया, और फिर उनको रिफॉर्म कमिश्नर बना दिया गया। लॉर्ड ललितगांव, लॉर्ड वेवल और लॉर्ड माउंटबेटन, तीन वाइस रॉय के ये एडवाइजर रहे हैं, एडवाइस करते थे, ठीक है ना, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। कहां से शुरुआत की थी और कहां पहुंच गए? अपनी मेहनत की वजह से। बहुत ही शांत, बहुत ही सभ्य इंसान, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और वल्लभ भाई पटेल को मालूम था कि इस बंदे को तो छोड़ सकते ही नहीं। भारत आजाद हुआ 1947, आजाद होता, मतलब भारत आजाद हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से क्या था कि तीन ऑप्शन थे यहां पे रियासतों के पास। रियासतों से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, रियासतों से पहले एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए जब 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, तो वो माउंटबेटन प्लान था, ठीक है, और ये जून में ही घोषणा कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने कि हम जो हैं 1948 में नहीं बल्कि 1947 में जाएंगे, अगस्त 1947 में अपना बोरिया बिस्तर निकाल के चले जाएंगे। देखिए एक कंसेप्ट समझिए, एक चीज समझिए, ब्रिटिशर नहीं चाह रहा था पूरी तरीके से वो भारत को छोड़ के जाए, भारत को वो छोड़ के जाए, लेकिन भारत पे वो ऐसा कानून देना चाहता था कि कंट्रोल उनका रहे, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत में कंट्रोल ब्रिटिश का रहे, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जानबूझ के ऐसे प्रोविजंस बनाए गए कि भारत को कमजोर कर दिया जाए, और ब्रिटिश को लगा कि भारत चल ही नहीं पाएगा, लेकिन भारत सरवाइव किया। इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, बलदेव सिंह हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, बहुत सूची लंबी है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर हो गए, ये इतनी गजब इन सबकी लीडरशिप थी कि भारत सरवाइव किया। और भारत जब सरवाइव किया तो ब्रिटिश देखता रह गया, कोई कंट्रोल उसको नहीं मिला। लेकिन गेम क्या खेल गया था, गेम वो ये खेल गया था कि या देखिए, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे, मतलब इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों बनेंगे, ठीक है। आई होप आपने मेरा पार्टीशन ऑफ इंडिया पे लेक्चर देखा होगा, आप जरूर देखिएगा, उस पे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। भारत और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशन बनेंगे, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा? प्रिंसली स्टेट्स का ये होगा, देखिए जब से ब्रिटिश भारत में आए थे तो दो भारत चल रहे थे, एक तो रजवाड़ों का, राजा रजवाड़ों का भारत, जिनको हम प्रिंसली स्टेट कहते थे, इनको लोगों से मतलब नहीं था और ये अपनी ही मस्ती में मगन थे, ठीक है। दूसरा ब्रिटिश इंडिया, और आपको जान के हैरानी हो गई कि ब्रिटिश इंडिया जहां जहां रूल कर रही थी वहां पे सिचुएशन फिर भी बहुत ज्यादा बेटर थी, प्रिंसली स्टेट्स में, ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में सिचुएशन बहुत खराब थी लोगों की, ठीक है। तो यहां पे दो भारत चल रहे थे, एक ब्रिटिश और एक प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश छोड़ के चली गई। क्या बोला उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, या भारत और पाकिस्तान ये दो देश होंगे, और लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का मतलब क्या है, इससे पहले जो राजा रजवाड़े थे वो ब्रिटिश के अंदर आते थे ना, जिनको पैरामाउंसी बोला जाता था, जो कि ब्रिटिश क्राउन था, लेकिन लैप्स, पैरामाउंसी लैप्स हो गई, लैप्स मतलब खत्म,
अब ब्रिटिश का साम्राज्य खत्म, तो अब यू आर ऑन योर ओन। प्रिंसली स्टेट्स, राजा रजवाड़ों को जो सही लगता है वो करें। अब सही क्या था, या तो आप भारत को ज्वाइन कर लीजिए पहला ऑप्शन, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए दूसरा ऑप्शन, या फिर यहां बम फोड़ा उन्होंने, आजाद हो जाइए। अब ये जो आजाद हो जाइए इसमें बहुत ज्यादा बल गया। अब 565 रियासतों ने, और बहुत सारी रियासतें ऐसी थी, कुछ आजाद होना चाहती थी और कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी थी कि इट वॉज इम्पॉसिबल कि पाकिस्तान के साथ वो जा पाए। ठीक है, जैसे कि हैदराबाद, हैदराबाद उस समय का छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को इंक्लूड करता था। हैदराबाद खाली एक शहर नहीं था, वो उस समय पूरा स्टेट था। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उनके काफी हिस्सों को, तो बहुत बड़ा था हैदराबाद। और हैदराबाद उस समय बहुत ज्यादा समृद्ध था, इतना ज्यादा समृद्ध, इतना ज्यादा समृद्ध कि भैया एक तरीके से भारत का अच्छा खासा जो चंक ऑफ जो पोर्शन था ना, वो हैदराबाद कंटेन करता था। ठीक है ना, तो हैदराबाद बहुत अमीर था। तो हैदराबाद बोल रहा था कि हमको जाना है पाकिस्तान के साथ या फिर आजाद रहना है, लेकिन उनका मेन यही था जो वहां के निजाम थे उस्मान अली, कि हमको पाकिस्तान के साथ ही जाना है। ठीक है, अब भैया पाकिस्तान के साथ जाना तो है, लेकिन कैसे जा पाओगे यार, भारत के बीचों बीच हो तुम। ठीक है, ज्योग्राफी क्या तुमको अलाउ करती है कि पाकिस्तान से तुम मिल जाओ, इट वॉज इम्पॉसिबल। पटेल ने बोला, पटेल की क्या पॉलिसी थी, कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक, वो सबसे पहले गाजर देते थे। ठीक है, आ जाओ मान जाओ कोई दिक्कत नहीं, कंधे पे हाथ रखते थे। जैसे ही भारत आजाद हुआ, उन्होंने सारे राजा रजवाड़ों को सबसे पहले तो लंच पे बुलाया कि आओ खाने पे आओ, बहुत लोगों को मना लिया, जो लोग नहीं माने लो बेटा डंडा चलाएंगे, स्टिक। अब डंडा इन द सेंस कि बहुत समझाते थे पटेल, साथ में वीपी मेनन भी होते थे, बहुत समझाते थे कि मान जाओ, नहीं मानते थे आर्मी भेज देते थे, 2 दिन में अंदर, 2 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी हमको कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो कंडक्ट किया गया, 5 दिन में आर्मी ने हैदराबाद को ले लिया, लेकिन अब देखिए हैदराबाद में कितनी शांति है। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश तो भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना। ठीक है, और बहुत पीसफुल रहा आंध्र प्रदेश आजादी के बाद से। ठीक है, ऐसा ही जोधपुर के साथ भी था। अच्छा, वीपी मेनन का क्या हुआ, देखिए वीपी मेनन की बात करें दोस्तों, तो पटेल वीपी मेनन को चाहते थे कि वो उनके सेक्रेटरी बने। ठीक है, तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बनते हैं और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वीपी मेनन उनके सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है ना, तो सेक्रेटरी बनते हैं। अब वीपी मेनन इनके सेक्रेटरी बने, तो पहले वीपी मेनन ने ये बोला कि मैं शायद इस्तीफा दे दूं और मुझे सही नहीं लग रहा है और मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। तो पटेल ने बोला कि यार तुम पगला अगला गए हो क्या, कहां हो तुम, ऐसा अब बोला, मतलब उन्होंने ऐसे वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ये वर्ड्स ऐड कर रहा हूं, मतलब उनका ये था, उनका कहने का मतलब ये था कि तुम बहुत ही ब्रिलियंट इंसान हो, तुमने अगर ब्रिटिशर के साथ काम किया है तो तुमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, हर किसी ने गलती की है, तुम्हारे जैसे इंटेलेक्चुअल की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल भी ऐसा मत करो और तुमको छोड़ के नहीं जाना है। तो वीपी मेनन और सरदार पटेल, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जहां पटेल जा नहीं पाते थे, वहां वीपी मेनन को भेज देते थे कि जाओ तुम संभालो, तुम इनको संभालो। इसमें जोधपुर का किस्सा दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए दोस्तों, अगर पूरे भारत की बात करें, 565 रियासतों ने मान ही लिया था, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, एक पूरा डॉक्यूमेंट था कि आपको भारत के साथ आना है, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट पाकिस्तान ने भी बनाया था। ठीक है, तो सबने मान लिया था सिवाय 4 को। सबसे पहले 11 जून 1947 को सबसे पहले ट्रेवन कोर ने विद्रोह किया। विद्रोह इन द सेंस कि यहां के राजा बोलने लगा कि हम नहीं जाएंगे, हम आजाद रहेंगे और हम भारत के साथ नहीं जाएंगे। उसके अगले ही दिन, ठीक अगले दिन दोस्तों, एक और राज्य का विद्रोह हो जाता है, मतलब एक और राजा बोल देते हैं कि हम भारत के साथ नहीं जाएंगे, और उनका नाम था निजाम ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद का रुख बड़ा ही ज्यादा, मतलब बड़ा खतरनाक रुख था उनका। हैदराबाद की कहानी मैंने ऑपरेशन पोलो पूरा कवर किया है। कासिम रिजवी, वो इतना बड़ा गुंडा था, उसको क्रिमिनल, जब बाद में पूरा इस पे रिसर्च चली तो उसको क्रिमिनल बताया गया था कि इसकी तो इतना ब्रूटल इंसान है, इसने तो बहुत कत्लेआम मचाया है, और वही जाके निजाम के कान भर रहा था। ठीक है, तो बड़ा ही ब्रूटल स्टैंड था कि कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे या फिर हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। यहां तक कि दोस्तों पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए उधार दे आए थे महाशय। ठीक है, तो भैया यहां पे पटेल का मूड खराब हो गया। तीसरा स्टेट था जूनागढ़। अब जूनागढ़ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जूनागढ़ में 90% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, और वहां का राजा महावत खान, ठीक है, वो मुस्लिम था।
मावत खान के ऐसा बोला जाता है कि दो ही शौक थे, एक तो जानवरों का उनका बहुत ज्यादा शौक था। आपको बता दूं कि एक बार मावत खान ने जूनागढ़ में दो कुत्तों की शादी करवाई थी, और दो कुत्तों की शादी करवाई उन्होंने सरकारी हॉलिडे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट था, कुछ भी कर सकते थे, सरकारी हॉलिडे उन्होंने डिस्कवर कर दिया कि कुत्तों की शादी हुई सरकारी, और नाचने गाने का बहुत शौक था। तो भैया ऐसा हुआ कि वहां पे जनता ने विद्रोह कर दिया और पटेल ने पूरी घेराबंदी की, तो भागे फिर महावत खान छोड़ छाड़ के जूनागढ़, जूनागढ़ जो कि गुजरात में आता है, भागे वहां से फिर पाकिस्तान। दोस्तों इतना ज्यादा डर गए थे महावत खान कि अपने बीवी और अपने बच्चों तक को नहीं ले गए, खाली अपने कुत्ते को साथ में ले गए थे। ठीक है, तो जूनागढ़ भी फिर भारत के अंडर आ गया। कश्मीर की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कश्मीर में राजा हरि सिंह मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है, यहां तक कि राजा हरि सिंह ने यह तक बोल दिया था कि हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले भारत के साथ, जो करना है कर लो, ठीक है। लेकिन पटेल, अब यहां पे वीपी मेनन को फिर से पटेल ने भेजा, मुलाकात काफी ज्यादा होती थी, वीपी मेनन भी मिलने जाते थे, पटेल भी मिलने जाते थे। तो क्या हुआ था दोस्तों कि जब पाकिस्तान का सब्र सब्र जवाब दे गया, तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कबायलियों को इकट्ठा किया, मतलब उनकी आर्मी थी और बहुत सारे लोकल लोग थे, और बोला कश्मीर को इन्वेड कर दो। तो कश्मीर पे इन्वेजन अक्टूबर 1947 में चालू हो गया, मतलब हालांकि बहुत ही पहले से ही। तो जब ये सब कुछ हुआ तो बारामूला तक ये जो कबायली है वो पहुंच गए। अब जब बारामूला तक ये कबायली पहुंचे तो वो पूरी रेडिंग शुरू कर दी, वहां पे पूरा लूट खसोट और बहुत मारपीट, बलात्कार और बड़ी दिक्कत, ठीक है। बारामूला मसाकर बहुत ज्यादा फेमस है। तब यहाँ पे राजा हरि सिंह ने बोला कि भैया कुछ करिए। तो वीपी मेनन थे, वीपी मेनन गए थे पटेल की तरफ से, वीपी मेनन ने बोला कि बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करिए, ठीक है। और फिर वीपी मेनन ने यह भी बोला कि क्योंकि जो आर्मी है पाकिस्तान की, जो कबायली ये सब लोग हैं और ये यहां तक आ गए हैं, तो बहुत जल्द आपके घर पे भी आ जाएंगे, तो आप निकलिए सबसे पहले जम्मू। तो राजा हरि सिंह जम्मू से निकल गए, फिर मतलब जम्मू चले गए वो, ठीक है। अब जम्मू तो वो चले गए, लेकिन वीपी मेनन थोड़ा कश्मीर का जायजा लेने के लिए वहीं रुक गए। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि जब वीपी मेनन को फोन आया दिल्ली से कि तुरंत आप आओ वरना आप भी निपट जाओगे, निकलो वहां से, तो वीपी मेनन का जब फोन आया, और अभी तक याद रखिएगा कि राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया है, ठीक है, अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वो साइन करना बाकी है, तो आर्मी जा नहीं सकती, कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वीपी मेनन को बोला कि तुरंत निकलिए वहां से, तो वीपी मेनन बोले कि अभी इसी वक्त आता हूं। तो वीपी मेनन ने जब गाड़ी देखनी शुरू की, एयरपोर्ट तक तो जाना था ना, तो भैया जब गाड़ी देखनी शुरू की कौन सी गाड़ी से जाऊं, सारी गाड़ी राजा हरि सिंह ले गए थे। तो एक पुरानी जीप थी, तो किसी तरीके से वीपी मेनन और कुछ और लोग थे उनके साथ, वो उस पुरानी जीप में आए, ठीक है, फिर एयरपोर्ट पे, और उसके बाद फिर उनको दिल्ली ले जाया गया। जोधपुर की भी कहानी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। जोधपुर के जो राजा थे वो ये बोलने लगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और जोधपुर अगर चला जाता भारत के हाथ से तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ा लॉस होता। एक तो जोधपुर की जो सीमा है वो भी पाकिस्तान से लगती है, जोधपुर जाता साथ में जैसलमेर भी जाता, तो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया चला जाता, और लगभग लगभग जोधपुर के जो राजा थे वो मान ही गए थे। जोधपुर की कभी बात नहीं होती है लेकिन वो मान गए थे कि हमको भी जाना ही है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बात बन नहीं पाई। तो यहां पे वीपी मेनन उनको मनाने गए, ठीक है, कि आप ऐसा है कि देखिए ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है और आपको इसको साइन करना है, ठीक है। तो वीपी मेनन जब मनाने गए जोधपुर के राजा को, एक्चुअली क्या था, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि पाकिस्तान के जिन्ना जोधपुर के राजा से कह रहे थे कि जोधपुर के राजा का नाम हनुमंत सिंह था, ठीक है। तो जोधपुर के राजा से यह बोला जा रहा था कि आप पाकिस्तान में आ जाओ, हम आपको बहुत स्पेशल पावर्स दे देंगे। तो जोधपुर के राजा की लाज रपक गई, उन्होंने कहा कि वाह क्या बात है, हम बिल्कुल आएंगे। तो इधर पटेल से जब मिले हनुमंत सिंह जी, तो उन्होंने पटेल ने समझाया कि तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम वहां पे मत जाओ, और अगर तुम गए तो फिर हमको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, वही स्टिक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी। तो उस समय जोधपुर के राजा मान गए, ठीक है। पटेल ने यहाँ पे कुछ स्पेशल कंसेशन देने की भी बात की थी, लेकिन जब वीपी मेनन गए यहाँ पे जोधपुर के राजा के पास, तो उसमें कोई कंसेशन की बात नहीं थी कि कुछ स्पेशल राइट्स आपके पास होंगे। तो यहाँ पे जोधपुर के राजा ने बंदूक निकाली। अच्छा, माउंट बेटन भी वीपी सिंह के साथ गए थे, तो माउंट बेटन पहले यहाँ पे हनुमंत सिंह जी से मिले, और उसके बाद फिर कमरे से बाहर चले गए और बोला कि वीपी मेनन ना तुम देखो, अब तुम बाकी जो कार्रवाई है वो करो। तो जैसे ही वो चिट्ठा पढ़ा हनुमंत सिंह जी ने, उन्होंने बोला कि जो मुझे स्पेशल राइट्स देने की बात की थी इसमें तो है नहीं, निकाल ली उन्होंने बंदूक और बंदूक रख दी वीपी मेनन के माथे पे, ठीक है, और बोलने लगे कि जरा मतलब इस तरीके से अगर तुम करोगे तो चलेगा नहीं। तो फिर वहां पे माउंट बैटन जो है वो एकदम दौड़ते दौड़ते है कि क्या हो गया है, और उसके बाद उनकी बंदूक को अपने पास लिया, और फिर यहां पे जोधपुर के राजा ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया। तो वीपी मेनन का रोल दोस्तों बहुत बड़ा था, ठीक है ना। वीपी मेनन
पूरा ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे थे कि पटेल के प्लान्स क्या हैं और वो किस तरीके से। पटेल का सीधा यही मानना था कि भैया जहां पे बातचीत से मसला नहीं हल हो रहा है ना, वहां तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और पूरा ये जो ग्राउंड वर्क था ना, ये पूरा वीपी मेनन तैयार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बुक में बहुत शानदार तरीके से एक 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 इवेंट का उल्लेख किया है। वीपी मेनन को भी, वीपी मेनन की जो किताब है, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों 565 रियासतें एक होती हैं। मेनन, पटेल, नेहरू, इन सब का बहुत बड़ा काम था। जब 565 रियासतें एक हुई, भारत भारत हो गया फाइनली अखंड भारत। 1949 ये पूरा वक्त लग गया था और 1950 में भारत का कानून भी बन गया था। फिर 1950 के बाद हम ये देखते हैं कि इनको उड़ीसा का भी गवर्नर बनाया था और तब तक ये रिटायर हो चुके थे क्योंकि इनकी फिर तबीयत भी काफी नासाज रहने लगी थी। और फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र पार्टी जो है उसके भी ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर दोस्तों इनकी काफी तबीयत खराब रहने लगी और 1966 दिसंबर 31, 1966 को वीपी मेनन का देहांत हो गया। तो दोस्तों हम यहां पे देख रहे हैं कि एक इंसान ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। पटेल के साथ मिलके उन्होंने काम किया, वीपी मेनन ने काम किया, लेकिन आज हम इनको ज्यादा जानते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमारे लिए सही नहीं है। हमको जानना चाहिए और इनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितने हम और बड़े बड़े लीडर्स को देते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।